हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम जो टॉपिक हमारे होंगे वो होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिंबल, फोर्थ इलेक्ट्रिक सर्किट, फिफ्थ पोटेंशियल डिफरेंस। सिक्स्थ ओम्स लॉ, सेवन्थ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, एट्थ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, नाइन्थ फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, टेंथ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज इन पैरेलल। ठीक है, ये हमारे टॉपिक हैं। नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिक पावर एंड लास्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी। आज हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सिंबल है स्मॉल क्यू। जैसे कि हम जानते हैं, हमारा यूनिवर्स जो है बहुत सारे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनमें से हमारी अर्थ भी एक है। इस धरती पर मौजूद हाउसेस, फर्नीचर, इवन हम सब लिक्विड वाटर, गैसेस, plants, all these things made up of very small particles। आप सभी नाइन्थ में पढ़ चुके हो कि जो मैटर है वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। मैटर मीन्स टू से ईच एंड एवरी थिंग, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में जितनी भी चीज़ें आती हैं, लिक्विड में जो भी लिक्विड चीज़ें हैं, वाटर है और जूस है जैसे, ये सभी चीज़ें जो हैं, और गैसेस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके पार्टिकल्स भी बहुत छोटी यूनिट से होते हैं। उस यूनिट का नाम है एटम। एटम क्या होता है? ये मैटर का बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है। बहुत सारे एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। एटम एक, ये हम समझ सकते हैं कि एटम एक कमरे का हम एग्जांपल लेकर चलेंगे, उसमें हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। एटम जो है एक कमरे की तरह हम मान लेते हैं,
उसमें क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है एक छोटा सा, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें। जिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। जैसे कि कमरे में हम एक बॉल, हम इसके एक कमरे के सेंटर में हैंग करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, और उसके चारों तरफ क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। जैसे कि सोलर सिस्टम का होता है कि सन के अराउंड अपने अपने ऑर्बिट में जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह से अगर वो हम सोलर सिस्टम सपोज लेट इमेजिन करें कि हमने एक उसको कम उस सिस्टम को हमने एक कमरे में रख दिया है, तो अब उसमें बहुत सारी स्पेस खाली होती है, तो एटम में स्पेस होती है, ये आप नाइन्थ में पढ़ चुके हो। और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। देर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स मौजूद हैं उसकी अट्रैक्शन की वजह से वो आपस में बाइंड रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसलिए ये टोटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। देयरफॉर चार्ज इज़ द मेन कॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। चार्ज के कारण ही वो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, पूरा न्यूक्लियस है, वो बाइंड रहता है। लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं। दोनों का टोटल इफेक्ट ज़ीरो हो जाता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसको हम एक एक्टिविटी से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैंने कागज़ के टुकड़े लिए हुए हैं, इसको मैं इस प्लास्टिक पेन के साथ अटैच करता हूँ, तो देखो कोई रिएक्शन, कुछ अटैचमेंट नहीं हो रही, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस पर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अपने हेयर के साथ रब करेंगे इस तरह से, इसको हम इस तरह से अपने हेयर के साथ रब करते हैं। ध्यान रहे हेयर में ऑयल वगैरह ना लगाओ, क्योंकि ऑयल से जो होगा फ्रिक्शन कम रहेगी, जितनी फ्रिक्शन रहेगी उतना अच्छा रहेगा, ऑयल फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है। कुछ टाइम के बाद इफेक्ट नल हो जाता है। इसी तरह से जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रोड जो है वो चार्ज हो जाती है और सिल्क क्लॉथ भी चार्ज हो जाता है। जब हम चार्ज ग्लास रोड के पास लेकर आते हैं तो उसमें रिपल्शन हो जाती है। इट मीन्स जो सेम मटेरियल की ऑब्जेक्ट होते हैं, जो चार्ज होती है सेम मटेरियल के ऑब्जेक्ट, वो एक दूसरे को रिपेल करती है। अगर मैं एक प्लास्टिक को ग्लास रोड के पास लेकर आता हूँ तो वो दोनों चार्ज हैं तो वो अट्रैक्शन शो करते हैं, पर ये जो प्लास्टिक कॉम्ब है ये ग्लास रोड के साथ कुछ टाइम तक रहती है, उसके बाद डिटैच हो जाती है, पर रिपल्शन के टाइम पर ये हमेशा रिपेल करेगी, पर अट्रैक्शन के केस में नल इफेक्ट ज़ीरो हो जाता है। मैथमेटिक्स रूल के अकॉर्डिंग अगर हम एक प्लस फाइव लें और माइनस फाइव लें तो दोनों का आंसर जो है वो ज़ीरो आता है। सिमिलरली प्लास्टिक और ग्लास रोड के केस में ही ऐसा होता है कि अगर इक्वल चार्ज हैं दोनों पर और दोनों अगर डिटैच हो रहे हैं
यानी कि उनका इफेक्ट जो है वो ज़ीरो आ रहा है, फोर्स का इफेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वैसे तो एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकता है, पर चार्ज ऑब्जेक्ट इफेक्ट डालता है। एक हम ग्लास रोड कंसिडर करते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं एंड इलेक्ट्रॉन हैं। हम इमेजिनेशन करते हैं कि इसमें माइनस 5 इलेक्ट्रॉन हैं और प्लस 5 प्रोटॉन हैं, तो दोनों का जो इफेक्ट आता है वो ज़ीरो आता है, यानी कि बाहर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये आपस में ही अट्रैक्शन में ये अपना इफेक्ट खो देंगे। तो ये टोटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। सिमिलरली हम सिल्क क्लॉथ में भी इसी तरह से कंसिडर करते हैं, लेट कर लेते हैं, इसमें माइनस 6 इलेक्ट्रॉन है और उसमें 6 प्रोटॉन है, तो इनका इफेक्ट भी ज़ीरो हो जाता है। पर जब हम इसको ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, तब क्या होता है कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्लास रोड में, वो मूव करके सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं। जैसे कि इमेजिनेशन के लिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस में चले गए, सिल्क क्लॉथ में चले गए। 3 इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं और 3 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर चले गए। प्रोटॉन इसलिए नहीं जा, तो हमारा वर्क डन होता है वो एनर्जी की फॉर्म में इसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ में। पर इसकी इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये न्यूक्लियस के अंदर परे बड़े हुए प्रोटॉन को बाहर निकाल सके। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो सिल्क क्लॉथ में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 6 पहले थे, 3 ऐड हो गए, 9 हो गए। अब इन दोनों का जो ये इसके ऊपर प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के ऊपर, दोनों का अगर हम इफ़ेक्ट देखें तो प्लस 3 आता है, यानी कि प्रोटॉन का इफ़ेक्ट जो है यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है और सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ग्लास रोड जो है पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। हमारे पास पीस ऑफ पेपर में भी ऐसे ही प्लस माइनस चार्ज मौजूद होते हैं। जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड के पास लेकर आते हैं तो जो पेपर के माइनस नेगेटिव चार्ज होते हैं वो ग्लास रोड की तरफ आ जाते हैं और इसमें अट्रैक्शन हो जाता है। इसका मतलब ये जो चार्ज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का मेन कॉज है। तो ऑब्जेक्ट दैट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर सेट टू हैव चार्ज। ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं किसी दूसरे के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है। चार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स का सोर्स है। ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चार्ज वाली बॉडीज़ एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ऑपोजिट चार्जेस वाली बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। चार्ज जो है वो कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी अमाउंट बताता है, मेज़र करता है। जो SI यूनिट है चार्ज की वो है कूलम, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है पार्टिकल की, यही एक बेसिक क्वांटिटी कही जाती है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है, और एक कूलम 6.25 इंटू 10 रेस्ट पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।